Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, agar aap hamare channel pe naye hain to hamare channel ko subscribe kar lijiye aur bell icon ko bhi click kar dijiye taki hamare har video ka notification aapko milta rahe. फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले उन सभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स को थैंक्स अ लॉट कहना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा. फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द कंडीशन एंड सपोजिशन. ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, कंडीशन एंड सपोजिशन. व्हाट इज द कंडीशन एंड सपोजिशन? कंडीशन एंड सपोजिशंस वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो भाग होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं, और एक सेंटेंस से किसी शर्त का बोध होता है और दूसरे सेंटेंस से ये पता चलता है कि वह शर्त पूरा होना मुश्किल था या मुश्किल है. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. हाय, कैन आई स्पीक विद द अपार्टमेंट मैनेजर? दिस इज द अपार्टमेंट मैनेजर स्पीकिंग. I want to know if Parkview apartment is still for rent. I haven't rented it out yet. Would you like to see it? Yes, I would like to see it. Are you free today at around 6 p.m.? Yes, I will be able to make it. Okay, then I will be at the apartment today at 6 o'clock. Yes, I can be at 6 p.m. here. Well, I'll see you at 6 p.m. Do you know how to get there? Yes, I have a friend who lives here in his neighborhood. Great. Then also I'll send you the location on your WhatsApp number. Do I need to bring anything with me? I only need to see your ID card. Thank you. See you at 6. Okay friends, चलिए शुरू करते हैं. दिस इज द कंडीशन एंड सपोजिशन. यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सभी भाग खड़े हो जाए. पहले में शर्त बता रहा है कि अगर इस कमरे में भूत आ जाए तो क्या होगा, सभी भाग खड़े हो जाएंगे, मीन सभी भाग जाएंगे. तो एक शर्त है जो पूरा नहीं हो सकता, मुश्किल है पूरा होना. ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, दो सेंटेंस आते हैं. पहले सेंटेंस में जो पहला भाग होता है उसमें शर्त बताया जाता है, शर्त रखा जाता है, और दूसरे सेंटेंस से यह पता चलता है कि वो शर्त पूरा होना मुश्किल है. तो इसको हम बनाते कैसे हैं? यदि इस कमरे में भूत आ जाए तो सभी भाग खड़े हो जाए, तो हम यदि के लिए इफ लिखेंगे. इफ अ घोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम, ऑल वुड फ्ली अवे. इफ अ घोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम, ऑल वुड फ्ली अवे. इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं. इफ अ घोस्ट हैड अपीयर्ड इन दिस रूम, ऑल वुड हैव फ्लीड अवे. जब यहां पर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर वुड के बाद भी हम यहां पे थर्ड फॉर्म लगेगा, वुड हैव, फिर फ्लीड आ जाएगा यहां पे, वुड फ्लीड अवे, हैव फ्लीड अवे. लेकिन हम इस तरीके से ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है और छोटा भी है, इसलिए हम ज़्यादातर इस तरह के ही सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं कि अ घोस्ट, इफ अ घोस्ट अपीयर्ड इन दिस रूम और ऑल वुड फ्ली अवे. इस तरह से बनेगा. अगर मैं पंछी हो जाऊँ तो तेरे पास उड़ के आ जाऊँ. इफ आई, यहाँ पे हो जाऊँ मीन्स वॉज वर होता है, तो आई वर. ध्यान रहे कि यहाँ पर आई और ही किसी के साथ भी वर ही लगाएंगे हम. If I were a bird, तो तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊं. I would fly to you. If I were a bird, I would fly to you. बहुत ईजी फॉर्मूला है, इसको समझना बहुत ही आसान है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, मीन्स पर्टिकुलर कोई वर्ब नहीं है. यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर वॉज वर ही है,
तो यहाँ पर वर ही लगाएंगे हम, वॉज नहीं लगाएंगे, आई वॉज ही वॉज ऐसा नहीं लगाएंगे हम, ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि आई वर ही वर ऐसा लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आई वुड लगा के फ्लाई टू यू। अगर यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे कि इफ आई हैड बीन अबाउट, इफ आई हैड बीन अबाउट आई वुड हैव फ्लाइट टू यू, तो यहाँ पर भी हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे और हैव लगाएंगे वुड के साथ, ठीक है फ्रेंड। यदि उसने कठिन मेहनत की होती तो सफल हुआ होता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखो मैंने दूसरे फॉर्मूले से बनाया है, हैड लगाकर बनाया है, तो हैड लगाकर जब भी हम बनाएंगे तो यहाँ भी इसको हमने पास्ट परफेक्ट के हिसाब से बनाया, तो इधर भी हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वुड के साथ हैव लगाएंगे और यहाँ पे वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इफ आई हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव बीन, सॉरी, इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। या तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि इफ ही वर्कड हार्ड, हम हैड नहीं लगाएंगे, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड बीन सक्सेसफुल। या तो हम इसको ऐसे भी बनाएंगे कि इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड बी सक्सेसफुल, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पर अगर हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हैड जैसा कोई चीज नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम सेकेंड फॉर्म का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर वुड हैव नहीं होगा, बल्कि सिर्फ वुड बी हो जाएगा, यहाँ पे वुड बी सक्सेसफुल, ओके फ्रेंड्स। अभी इस तरह के सेंटेंसेस को लीजिए आप, इसमें थोड़ा अलग है कि यदि बिजली गुल हो जाए तो मोमबत्ती का उपयोग करें, मीन्स इसमें पहले भाग में शर्त तो पता जा रहा है, लेकिन दूसरे भाग से ये पता चलता है कि हमें संभावना के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, मीन्स अगर ऐसा हो जाए तो वैसा करना चाहिए, अगर वैसा हो जाए तो वैसा करना चाहिए, मीन्स इसमें पहले भाग में शर्त रखा जाता है और दूसरे भाग में जो सेंटेंस का दूसरा भाग होता है उसे यह पता चलता है कि हमें इस संभावना के प्रति सावधानी कि हमें इस संभावना के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, मीन्स जो भी ऐसा कुछ हो सकता है, मीन्स अगर ऐसा हो जाए तो कैसा करना चाहिए, वैसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसमें यह बताया जा रहा है। तो यदि बिजली गुल हो जाए तो मोमबत्ती का उपयोग करें, यूज अ कैंडल इन केस, इसमें हम इन केस का इस्तेमाल करेंगे, इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स, यूज अ कैंडल इन केस, यूज अ कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। यहाँ पे इन केस का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जब भी इस तरह का सेंटेंस हो कि पहले सेंटेंस के पहले भाग में हमें शर्त रखा जा रहा है बट दूसरे भाग से ये पता चलता है कि उस संभावना के प्रति हमें सजगता बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम इन केस का इस्तेमाल जरूर करते हैं। अभी दूसरा सेंटेंस, अगर वर्षा हो तो छाता ले लो, अगर वर्षा हो तो छाता ले लो, टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, ओके फ्रेंड्स। इस तरह के सेंटेंसेस में हम इन केस का इस्तेमाल करते हैं, ओके। ये पहला पार्ट था, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है बताना, मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।